एग्जाम हॉल में लास्ट 5 मिनट में आपका भी यही हाल होता है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए और मैं आपको बताता हूं कैसे फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए आप सभी को इंग्लिश को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि बुक्स खोल के बैठ जाने से, घंटों पढ़ने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीएसई बदल चुका है, वो अपनी मार्किंग बहुत अलग तरीके से अब करने लगे हैं। क्या डिलीटेड चैप्टर्स हैं, क्या आपका सिलेबस हो गया है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो अगर 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं एक कमाल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले कुछ कॉमन बातें जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो जहां तक इंग्लिश के एग्जाम का सवाल है, तो बेसिकली आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। 3 सेक्शन कौन-कौन से होते हैं? सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपसे अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी क्लास हो। सेक्शन बी होता है हमारा एक, जिसके अंदर हमारा राइटिंग एंड ग्रामर होती है। क्या होती है? राइटिंग। और इसी के अंदर ना ग्रामर डालने लगे। पहले क्या होता था, सेक्शन सी बनाते थे ग्रामर का, लेकिन अब क्या हो गया, अब पता नहीं इन्होंने कहा कि यार छोड़ो ना, एक सेक्शन क्यों बनाना, ग्रामर कम नंबर की कर दी है, राइटिंग में डाल दो। एक होता है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर होती है हमारी लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिटरेचर का मतलब जो हमारी बुक्स होती है ना, वहां से पूछा जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितनी भी अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान जो आपको दिलाया जाता है ना, वो किस पे दिलाया जाता है? वो सेक्शन सी पे दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी बुक्स होती हैं। अगर मैं बात करूं 10th और 12th क्लास की खास तौर से बच्चों, तो आपको इसकी ना बुक्स दी जाती हैं। क्या दी जाती है? बुक्स दी जाती है, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स होती हैं वो आपको मिली होती हैं। आपको सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी के लिए कोई किताब खास तौर से नहीं दी जाती। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम सभी को, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है ना, तो यहां से करनी है, ये बस ये किताबें पढ़ लूंगा और मेरे 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे, ऐसा ही लगता है ना, ऐसा ही लगता है ना। और इसका क्या होगा, इसके लिए तो हमें सेपरेटली कोई बुक दी ही नहीं जाती है, हमें टीचर करा देते हैं, हम नोट कर लेते हैं, और ये हम भूल जाते हैं कि ये दोनों पार्ट भी इक्वल मार्क्स के हैं, ये भी 40 का है और ये भी 40 का है। ऐसा होता है सर? हाँ ऐसा होता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी जो मेंटेलिटी है ना, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि हम इस पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं, हम इस पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसे पढ़ते रहते हैं, सेक्शन सी को, लिटरेचर वाले को। और इसमें होते हैं बहुत सारे चैप्टर्स जिनको पढ़ने में लगता है बहुत सारा टाइम, इसमें होती है पोएम्स जो जाती हैं सर से ऊपर, तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसे पढ़ के सोच लेते हैं हमारी प्रिपरेशन अच्छी चले कि नहीं, ये तो एक रात में कर लेंगे, एक दिन पहले कर ले। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों यही होती है। मेरे क्यूटीज और क्यूटों ध्यान से सुनो, आपको सेक्शन ए और बी पे भी बराबर ध्यान देना है। क्यों देना है? ध्यान से सुनो, मेनली चाहे आप 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, रीडिंग सेक्शन के अंदर आपसे अनसीन पैसेज ही पूछे जाते हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहीं से सैंपल पेपर मिल जाए वहां से कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट पे से डाउनलोड हो जाता है आसानी से, वहां से करो, करो, करते रहो। क्यों? प्रैक्टिस करने से क्या होगा सर, रीडिंग करने से क्या होगा भाई? जब रीडिंग करोगे, नए नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आपको समझ में आने लगेगा, आपको बड़ी बड़ी रीडिंग करने के बाद ना पैसेजेस को, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आ जाएगी, जिससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप बुक्स पढ़ोगे ना, बुक्स के क्वेश्चन आंसर जब रटने बैठोगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे आसानी से कर पाओगे, आपको वो ईजी लगेंगे। ठीक है, तो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस इक्वल ही आपको करनी है। नेक्स्ट चीज, राइटिंग सेक्शन में क्या होता है भाई, क्या पूछा जाता है आपसे? लेटर लिखने को पूछा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, पोस्टर मेकिंग होती है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं, होती है कि नहीं? इससे क्या फायदा होगा? इससे भी आपको राइटिंग यानी आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपको नए नए वर्ड्स का पता चलेगा, जिससे जब आप लिटरेचर पोर्शन कर रहे होंगे ना, तो वो करने में आपको आसानी होगी, पोएम्स को पढ़ने में आसानी होगी, चैप्टर्स के क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर्स को करने में आसानी होगी। और मजे की बात सुनो, 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 एक और बात सुनो ना, ये जो चैप्टर्स है ना लिटरेचर के, खास तौर से 10th वालों, तुम्हारी तो मौज आ रखी है। मैंने ऑलमोस्ट आपके लिटरेचर के सारे चैप्टर्स करा रखे, ऑलमोस्ट करा रखे, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, इसके चैप्टर मैंने 10th वालों को तो करा रखे हैं, 12th की 12th क्लास की भी रिवीजन क्लास मैंने ले रखी है, इस बार भी आपकी रिवीजन क्लास में सबकी लूंगा, 10th की भी, 12th की भी, सबकी। तो आपका ये फायदा कि चैप्टर तो मैं भी बना देता हूं और आपके लिए इतना प्यार से बना देता हूं, ऐसे आपको पकड़ा देता हूं हाथ में, यानी आपका मैं क्या बचा रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। क्या बचा रहा हूं? मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। क्यों बचा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस टाइम को आप कहां लगाओ,
यहां लगाओ सेक्शन ए और सेक्शन बी को पक्का करने में। ये नहीं कि हम इसी में फंसते रहे, इसी में नहीं फंसना है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज क्लियर हो गई सब बच्चों को, क्या कि सेक्शन ए और बी की भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है साथ साथ लिटरेचर के, सिर्फ किताबों से पढ़कर कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल कच्चे हो, ध्यान से सुनो, आप जीरो से कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले ना रीडिंग सेक्शन को कवर करना। रीडिंग सेक्शन को कवर करने के लिए क्या करना, मैंने टेंस का वीडियो बना रखा है, टेंसेस बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना, थोड़े से टेंसेस को सीख लेना, थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, मतलब टूटी फूटी ना बोल पाओ बस। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। इतना कर लेना, कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रीड करना है। क्या रीड करना, क्या रीड करना है, प्रीवियस ईयर का कोई सैंपल पेपर आपको मिल जाए, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके हाथ लग जाए, उन्हें पकड़ लेना और बस ऐसे रीडिंग करना। क्या करना, सिर्फ रीडिंग करना कि कैसे पैसेज पूछा गया था, क्या सवाल पूछे गए थे और उनके आंसर किस तरह से किए गए हैं। तो इस तरह के सॉल्वड आपको अनसीन पैसेज देखने हैं। इतना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब घबराना मत, दिल मत लगा लेना उस पैसेज के साथ ना, आशिकी मत करने लगना कि इसका आंसर तो मुझे ढूंढना ही है, पागल हो जाओ, दिमाग खराब कर लो अपना। नहीं 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 नहीं, अगर उसका आंसर आपको किसी क्वेश्चन का नहीं भी समझ आया तो उसको जाने देना, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि किस तरह से आपसे अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। इतना काम करना। राइटिंग सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करोगे, राइटिंग सेक्शन में ना फॉर्मेट पे ध्यान दो इस वक्त। किस पे, हर चीज का फॉर्मेट। लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ये सभी टॉपिक मैंने प्रिपेयर करा रखे हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो मैटर नहीं है। सिर्फ इस पे ध्यान देना है, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट बस सबका सीख लेना, रिपोर्ट राइटिंग हो, पोस्टर मेकिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, लेटर राइटिंग, जो भी, इन सबके ना फॉर्मेट पे ध्यान देना और क्वेश्चन देखना कितने तरह के आते हैं, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, दो दिन में प्रिपेयर हो जाएगा। आज करने बैठोगे ना तो राइटिंग सेक्शन आपका दो दिन का नहीं है, दो दिन में प्रिपेयर कर लोगे खूब बढ़िया से, ठीक है। आते हैं अब लिटरेचर पार्ट में। सबसे खतरनाक, जिसको देख के ना कानों से धुआं निकलने लगता है, लिटरेचर में क्या करोगे, लिटरेचर को ना तरीका ये बनाना है हमें, जैसे मैंने आपको वीडियोस भी दे रखी है, टेंथ वाले, इलेवंथ वाले, ट्वेल्थ वाले की भी रिवीजन करा रखी है मैंने, ट्वेल्थ वालों की भी। तो आपको चैप्टर पढ़ने का क्या तरीका निकालना है, उसका ना लॉन्ग आंसर आपको कहीं से हासिल करना है, आपके टीचर ने करा रखा है, अगर मैंने करा रखा है तो मेरा लॉन्ग आंसर देख लेना, कहीं से भी ना उस चैप्टर का लॉन्ग आंसर देखना। लॉन्ग आंसर को आपको क्या करना है, रीड कर लो, याद कर लो, ध्यान से मेन की पॉइंट्स उसके समझ लो, क्या समझ लो, की पॉइंट्स कि इस चैप्टर में है क्या आखिर, और फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। लॉन्ग आंसर अगर आपको याद है, चैप्टर आपको सारा समझ में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। पोएम्स का क्या करें सर, पोएम देख के ना दिमाग खराब हो जाता है, पोएम्स में कुछ नहीं करना होता, पोएम का भी क्या, लॉन्ग आंसर पकड़ो, उसका भी क्या पकड़ो, लॉन्ग आंसर, ताकि आपको समझ में आए भाई ये कहानी है क्या, आंट जेनिफर आंटी है कौन, बॉल पोएम में क्या कहा गया है, ये सारी बातें आपको अगर पता होंगी तो पोएम्स के भी क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। मैंने वीडियोस बना रखी है, मत पूछो बार बार, मैंने बना रखी है, देख लेना, आराम से देख लेना, बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई है, ठीक है। ये तो हो गया आपको मोटा मोटा, मैंने समझा दे कि ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इनके टॉपिक वाइज भी मिलती रहेंगी, डोंट वरी, मैंने ठेका ले लिया है ना आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। इन चैप्टर्स को पढ़ के आपको मजा आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। कौन से चैप्टर्स ऐसे जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पीछे पास्ट में पूछे गए हैं, ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए मैंने आपके सामने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े आई वुड से कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, अब अंदर की बात समझ लो ना बस, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसी समझदारी कोई नहीं करेगा कि सिर्फ ये पढ़ के चला जाऊं और नंबर आ जाएंगे, ना ना, ये गलती मत करना, ठीक है दोस्तों। तो भाई पहले बात करते हैं क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट की, ऐसे चैप्टर जिनसे आप शुरू कर सकते हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, द प्रपोजल, ये कर लेना टेंथ वालों, बहुत मजेदार, सबसे मजेदार चैप्टर ही टेंथ क्लास के भाई, इतने प्यारे चैप्टर, इतने मजेदार स्टोरीज किसी और क्लास के चैप्टर से मुझे नहीं लगती भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ वालों की चैप्टर, पढ़ लेना मजा आएगा। मैंने वीडियोस बना रखी है ऑलमोस्ट, मैंने इन सबके ऊपर बना रखी है, जो एक दो रह गए वो भी करा दूंगा, ठीक है भाई। हॉर्नबिल क्लास 11th, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, आपके लिए वीडियो बना रखी है मैंने, देख लेना। दूसरा डिस्कवरिंग ट्यूटोरियल, बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई, आप बिल्कुल ऐसे इजिप्ट में पहुंच जाओगे, मम्मी निकालने लगोगे, मैं बता रहा हूं, आप अपने घर के आंगन में भी मम्मी ढूंढोगे इस चैप्टर को देखने के बाद, बड़ी मजेदार मम्मी है, आई मीन टू से चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्क रोड, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ये भी देख लेना। क्लास 12th वाले आप लोग फ्लेमिंगो से लास्ट लेसन, वाह क्या लेसन है, आप और मेरा रिश्ता उसके अंदर बताया गया है, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसे फ्रेंच लैंग्वेज को वहां से हटाया जा रहा था, इसके ऊपर है लास्ट लेसन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डीप वाटर, अरे विलियम डॉगलस, वाटर चैप्टर इट इज यार, बहुत अच्छा
चैप्टर है, मजा आ जाएगा स्टोरी आप इसको देखोगे तो। इंडिगो चैप्टर, अरे गांधी जी का इंडिगो चैप्टर, नील की खेती है, बड़ा मजेदार है, मैंने रिवीजन वीडियो में आपको करा रखा है, क्लास 12th वालों देख सकते हो वहां से भी। रेड ट्रिप, ओहो अमेजिंग चैप्टर है, पढ़ो जल्दी अभी पढ़ के देखो ना, मजा है ना, पैसे वापिस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पोएम्स की। सर पोएम्स बड़ी बड़ी खतरनाक लगती है, 10th वाले तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम लोगों के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारी पोएम्स करा रखी हैं भाई। तो पोएम सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट है, अमेंडा। अमेंडा ये क्यों करती हूँ, ये क्यों करती हूँ, मम्मी डांटती रहती है अमेंडा को। बहुत अच्छा चैप्टर पोएम है, द बॉल पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, ये तीन आप जरूर करना, इनसे स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे चैप्टर है ये वाली है, ये पोएम बहुत अच्छी है। 11th की बात करें तो चाइल्डहुड, फादर टू सन, और द लैम्प टॉप। क्लास 12th वालों आप सुनो, माय मदर एक्स 66, वाह बहुत अच्छी पोएम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, बहुत प्यारी पोएम। आंट जेनिफर टाइगर तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आप देखना ही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पोएम है। मैंने वीडियो बना रखी है एक्चुअली, इन सब पे वीडियो बना रखी है, तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, टेंशन ही खत्म है ना, वक्त बचाना है, टाइम इज इंपॉर्टेंट भाई, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आपकी जो सप्लीमेंट्री दूसरी बुक है उसके ऊपर, तो 10th की फुटप्रिंट। फुटप्रिंट्स में कौन सी भाई, फुटप्रिंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तो अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, बहुत अच्छा है भाई, कुत्ते की सर्जरी करा रहे होते हैं, बहुत मजा आता है, बीमार हो जाते हो, कहता है मैंने सर्जरी कर दी है, ऐसा उसको वहम होता है कि कुत्ते की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, उसको बहुत ज्यादा खिला रही होती है। अब छोड़ो स्टोरी पे क्यों जा रहे हो, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर, भाई बुक का नाम ही वो है, सबसे बढ़िया चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट, पता है मूवी की तरह है। आपने वो कौन सी मूवी थी वो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मूवी थी जिसके अंदर वो गायब हो जाते हैं, साइंटिस्ट इनविजिबल हो जाता है और फिर वो बहुत उत्पात मचाता है। वैसे अगर आप गायब हो जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये भी बताना मुझे। अच्छा कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना, ठीक है, पर्सनली मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूं, तो टेंशन मत लिया करो। द नेकलेस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, वाओ नेकलेस, उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है, बस मुझसे मत पूछो, इतनी प्यारी स्टोरी है ना 10th वालों तुम्हारी तो। एक भोली 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 भाली भोली हमारी, मैंने वीडियो बना रखी है बाय द वे, देख लेना, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस इस पे बना रखी हैं, पूरा टेंशन खत्म। स्नैपशॉट 11th वालों आप सुनो, द एड्रेस द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये आप लोग देख लेना, अच्छे चैप्टर हैं आपके, करने सारे भाई बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये पहले कर लेना, ये मजेदार है, ये आपको बांध देंगे। नेक्स्ट है विस्टास, भाई 12th वालों द टाइगर किंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, व्हाट एन अमेजिंग चैप्टर इट इज। नेक्स्ट है ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी बहुत अच्छा है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस तरह से आप अपना लिटरेचर प्रिपेयर तो करो, मैं हूं ना यहाँ पे के लिए आपके एग्जाम तक। बच्चों आपके कुछ चैप्टर्स भी डिलीट हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे फाइनल ईयर के एग्जाम में। भाई फर्स्ट लाइट के एक चैप्टर है द 100 ड्रेसेस, उसके दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों ही हटा दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूं आपकी दूसरी बुक जो सप्लीमेंट्री है फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसमें एक चैप्टर है द हैक ड्राइवर, वो आपका डिलीट हो चुका है। पोएम्स के अंदर एनिमल्स पोएम है, वो आपकी डिलीट हो चुकी है। और क्लास 12th की अगर मैं बात करता हूं, क्लास 12th वालों ध्यान से सुन लो, आपकी एक पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, वो डिलीट हो चुकी है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री बुक की बात करूं तो उसके अंदर इवांस ट्राइज ओ लेवल, वो डिलीट हो चुका है। और आपकी एक और मजेदार सा चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो भी आपका डिलीट हो गया है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों जुट जाओ और देखना बच्चों, अगर किसी के 50 नंबर आते थे ना 11th में या पहली क्लास में, उसके 80s में आएंगे, 90s में आएंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी यही होती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ पूरा दोगे, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मिलकर हम फोड़ के आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कौन कौन से चैप्टर्स की आपको वीडियो चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, वो जरूर मुझे बताना। और जितने भी टॉपिक है ना इंग्लिश के, ऑलमोस्ट सारे मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, सर्च करके देखा करो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ, गुड लक।